क्लास कौन सा है? क्लास के क्या पढ़ा रहे थे? समीकरण। मैथ में समीकरण पढ़ा रहे थे। पेज नंबर बताना बाबू। 140। कौन सा किताब है? सुगम गणित भारती। सुगम गणित भारती मतलब यही है ना? भारती नहीं, भारत के लिए आता ना। आप कल तो आधा पढ़ाए थे, कल बताया था ना, जहाँ तक बताए थे उसके आगे वाला सवाल बताओ। मतलब लिखाना है सवाल, अच्छे से लिखाना है, हम सवाल बताते करते हैं, समझे? लिखा सकती हो ना? कितना नंबर सवाल है बताओ? कल कहाँ तक बताया था? बीच में छोड़ दिए थे ना? थ्री तो बता दिए थे ना? चलो छोड़ दे, छोड़ बताओ। चलो बोल रही है चार क्रमागत विषम संख्याओं, विषम संख्याओं का योग छप्पन है। छप्पन है संख्याओं को क्या मतलब? कहने का मतलब तो चारों संख्या है, इसको संख्या में क्या करना है? संख्याओं संख्या बराबर। आप ध्यान देना एक बार बाबू, ये समझो, इसके बाद सारा चीज समझ में आ जाएगा। पहले समझना है सम संख्या, सम सम संख्या को क्या समझना है? सम संख्या किसे कहते हैं तुम बता पाएगा? जी बताओ बाबू, सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। समझ रहा है? नंबर का ऐसा होता है NUMBER, इसको शॉर्ट में NO बोल दिया जाता है। क्यों? ब्रिटिश भाषा का नंबर को नंबर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नंबर। NO होता है इसलिए NO से शुरू करते हैं। विषम संख्या, विषम संख्या इसको बोलते हैं ऑड नंबर। क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। ऑड नंबर आप बोले सम संख्या किसे कहते हैं? सिंपल लैंग्वेज में है जिसमें दो से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे क्या कहते हैं? सम संख्या। जिसमें दो से पूरा पूरा भाग लग जाए सम संख्या कहते हैं। जिसमें दो से भाग लग जाए तो पूरा पूरा भाग लग जाए से पूरा पूरा भाग लग जाए से सम संख्या लग जाए उसे क्या कहते हैं? सम संख्या। आप बाबू बताना हम क्या बोलते हैं? जिसमें दो से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे क्या कहते हैं? सम संख्या। सम संख्या इसका एग्जांपल यदि बोलेगा ये बताना बाबू। दो चार दो छोड़ो तो ये समझो गिनती कहाँ से चालू होता है? एक से। एक ले चलो एक में हम दो से भाग दिए, एक में किससे भाग दिए? क्या भाग लगेगा? नहीं भाग लगेगा पूरा पूरा भाग लगेगा तो एक सम संख्या होगा? नहीं होगा। नहीं यदि भाग लग जाता तो सम संख्या होता, नहीं भाग लगा सम संख्या होगा? नहीं नहीं होगा। एक सम संख्या होगा नहीं, ठीक है? आप दो में अब दो में भाग देते किससे? दो से भाग देंगे ना जी। सम संख्या मतलब कहने का पूरा पूरा भाग लगने का सेंस हुआ हमको सेंसफल में क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। क्या आना चाहिए? जीरो। क्या जीरो आया कि नहीं? इसीलिए दो सम संख्या होगा कि नहीं कोई बताओ? होगा। चार चार में भाग दिए जीरो आ गया। तो चार सम संख्या होगा कि नहीं? होगा। इसी प्रकार आगे भाग लेके छह होगा कि नहीं? होगा। आठ होगा कि नहीं? होगा। दस होगा कि नहीं? होगा। बारह होगा कि नहीं? होगा। इसी प्रकार अंगिनित होगा कि नहीं कोई बताओ? होगा। कोई दिक्कत नहीं। इतना तो समझना है
कोई दिक्कत नहीं। एक बात समझना हमको, यहाँ समझना है, यदि हम इसको दो एक्स मान लेते हैं, किसको मान लेते हैं, दो को क्या मान लीजिए, चलो एक्स मान ली, कोई दिक्कत नहीं। हम एक्स में क्या जोड़ेंगे तो चार आएगा, एक्स में क्या जोड़ेंगे चार आएगा, एक्स का मान दो है, अरे है कि नहीं बोलो ना, ऐसे तो हमको चार लाना है, तो एक्स में दो जोड़ेंगे तो चार आएगा, बापू समझ में आया, तो इस चार की जगह हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं, चार दो लिखेंगे कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप बताओ छह लाना है, हम दो को क्या माने हैं, एक्स बराबर दो माने हैं, हमको कितना लाना है, छे, तो छे लाने के लिए कितना जोड़ेंगे, चार, छे आ जाएगा, तो कहने का मतलब छे के जगह हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस चार लिख सकते हैं, नहीं हमको कोई दिक्कत नहीं। आप बताओ बाबू आठ क्या है, आठ, हम तो एक्स बराबर दो माने थे, तो आठ दो में कितना जोड़ेंगे तो आठ आएगा, छे, छे, चलो बाबू छे जोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं। तो दो की जगह हम एक्स माने थे, एक्स प्लस छे होगा, तो इस आठ की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस छे, कोई दिक्कत नहीं, इतना सुना रहा है, क्यों बता रहे, ध्यान देना, अब 10 में लाना है, x बराबर हम 2 माने थे जी, अब 10 लाने के लिए 2 में कितना जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे, तो x बराबर 8 है ना जी, तो 10 के जगह हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 8, एक चीज बाबू ध्यान देना, पहले x माने जी, यदि सम संख्या है तो जी, तो x में हम कितना जोड़ दिए, 2, इसके बाद x प्लस 4, x प्लस 6, कोई दिक्कत हुआ नहीं। आप हमें ये बताना, सम संख्या हमको लगातार यदि ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो ध्यान से, इसको मैं क्लीन कर देता हूँ, किसमें, सम संख्या में, ध्यान देना, अब यदि बोल दे चार को कम सम संख्या बताया, लगातार संख्या बताओ चार को, तो हम मानेंगे क्या, ये बताना बाबू, सम संख्या में तो पहला एक्स मानेंगे जी, तो अगला हम क्या मानेंगे, अगला क्या मानेंगे, x plus 4, अगला क्या मानेंगे, x plus 6, अगला क्या मानेंगे, 8, अगला क्या मानेंगे, x plus 10, तब दो-दो बढ़ाते जाएंगे कि नहीं जी, सम संख्या में जी, यदि सम संख्या तो समझ में आया बाबू, कितना समझ में आया, आगे 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 जी, चलो हम कितना मिटा देते हैं, चलो ये हो गया सम संख्या, सम संख्या समझ में आया जी, आप कोई पूछो तो सम संख्या किसे कहते हैं बताना बाबू, जिससे दो से पूरा पूरा भाग, जिससे नहीं जिसमें, जिसमें दो से पूरा पूरा भाग है, जैसे हमको चेक करना है 25 सम संख्या है या नहीं, 25 सम संख्या है या नहीं, तो हम किसमें 25 में किसे भाग देंगे, दो से 1 बचा, बाबू ही समझ में आया कि नहीं बताओ, हमको दूसरे पूरा पूरा भाग नहीं लेना चाहिए, जैसे आप ध्यान देना, जैसे हम 24 बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 24, इसमें दूसरे भाग देंगे ना, क्या मतलब जीरो आया, जीरो लगना था, ये आप देखो ध्यान से, एक नहीं लाना था, हमको जीरो आना ही नहीं चाहिए था, ये बताओ बाबू ये जीरो आ गया जी, तो 24 क्या हो गया, सम संख्या हो गया, विषम संख्या हो गया, सम संख्या जी, यदि इसमें यदि 25 रहता क्या रहता, 25 तो विषम संख्या, तो विषम संख्या हो जाएगी, एक बच जाता जी, कितनों बचता,
लेकिन कुछ बचना नहीं चाहिए, कुछ नहीं बचे तो सम संख्या, कुछ बच जाए तो विषम संख्या, तो 25 विषम संख्या होगा कि नहीं बताओ, कोई दिक्कत नहीं। आगे बताना वालों, एक एक में दूसरे प्रॉब्लम भाग करेंगे क्या, एक में भाग लगेगा नहीं, नहीं। लगेगा नहीं। क्या तब विषम संख्या एक होगा कि नहीं होगा, आप बताओ मूल में भाग करते पूरा भाग लग गया ना, क्या विषम संख्या है नहीं, नहीं। क्या है सेम संख्या, सेम नहीं है सम क्या है सम संख्या। चलो लिहाज अब तीन में एक बचा जी, हाँ वो नहीं कुछ बचता तो सम संख्या जी, बच गया तो विषम संख्या, इसमें क्या गया विषम संख्या, तो पांच में हम करके देखते हैं, एक बचा जी इसी प्रकार सात, इसके बाद नौ, ग्यारह, इतना समझ में आया कि नहीं हम बताओ, सम संख्या समझ में आ गया, कोई बोलेगा सम संख्या किसे कहते हैं तो क्या बोलना है, जिसमें दो से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं, जैसे दो चार छः आठ दस बारह पच्चीस, सॉरी पच्चीस नहीं चौबीस छब्बीस ऐसा अट्ठाईस अनगिनित अनंत, कोई अंत है नहीं। अब बोलना है विषम संख्या किसे कहते हैं, जिस संख्या में दो से पूरा पूरा भाग न लगे उसे क्या कहते हैं विषम संख्या, एग्जांपल में 1.5579। अब यदि एग्जाम में आ गया सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी क्या लिखी 1, सबसे छोटी विषम संख्या क्या 2, समझ में आया जी, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके आगे समझना है अच्छे से, हम मान लेते हैं एक को x मान लेते हैं, एक क्या मान लिया, तो हमको तीन लाना है, एक हमारा में वन है तो वन में कितना जोड़ेंगे तो तीन आएगा, टू जोड़ेंगे तो ये बताओ बाबू, तो एक्स प्लस टू ना लिखेंगे, तो इस तीन की जगह हम क्या लिखेंगे एक्स प्लस टू लिखेंगे कि नहीं बताओ, क्यों एक्स का मान एक है प्लस दो, दो एक तीन आ जाता है जी, आप बताओ बाबू एक्स में हमको पाँच लाना है, सॉरी पाँच लाना है तो कितना जोड़ेगा चार जोड़ेंगे, सॉरी चार दो, चार आप हमको सात लाना है, एक्स बराबर वन है तो इसमें कितना जोड़ेंगे छः जोड़ेंगे, एक्स प्लस छः, इसी प्रकार एक्स प्लस आठ, इसी प्रकार एक्स प्लस दस, बाबू की बात सुनता एक चीज तुम्हें समझ में आ रहा है, समूह संख्या में लगातार निकालना है तो एक्स एक्स प्लस टू एक्स प्लस फोर, विषम संख्या में निकालना तो इतना ही हो रहा है, एक्स हो रहा है एक्स प्लस टू एक्स प्लस फोर एक्स प्लस सिक्स इतना ही ना हो रहा है, समझ में आया जी, नेक्स्ट में आया आ गया, कोई दिक्कत नहीं, आप देखना बाबू समझना, तो विषम संख्या में पहला संख्या क्या आ जाता है एक, अगला संख्या एक्स प्लस टू, अगला पद एक्स प्लस फोर, इसी प्रकार आया कि नहीं वही बताओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है नहीं। तो इस सम संख्या में इतना विषम संख्या में इतना नहीं, याद नहीं होगा घर से लिख के लाना, नहीं होगा तो हम इसको लेक्चर डाल देंगे, इसको देख तो लेना उतार देना, इतना तो कर सकती हो ना जी, कर दे देखो आप बोर्ड नहीं पढ़ाएंगे उतारने के चक्कर नहीं आती है, वीडियो तो डाल देते हैं मोबाइल चलाती हो ना जी, खुल गया ना चैनल, तो खुल गया ना, खोल के देखियो कि नहीं चैनल, नहीं देखियो, क्या चैनल नाम है SLP चैनल पे देख लेना जी, जितना कितना इसमें रुकेंगे टाइम वेस्ट होगा फालतू है ना, अपना घर पे अपना धीरे धीरे अच्छे से मतलब कोई भी लेक्चर देखिए, अभी तक एक भी लेक्चर देखी कि नहीं, तो अच्छे से आवाज जा रहा है अच्छे से क्लीन दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं होता ना, आप सवाल समझना देखो, सवाल ऐसे ही बनाते हैं, पहले समझा दिए जो हमको आवश्यकता था, आप सवाल बनाना चालू करें, हमको सवाल था तीन नंबर था ना, फोर नंबर चार नंबर था, चार चार क्रमागत विषम संख्या का
कितना है? 56। आप बताना बाबू, क्रमागत का मतलब लगातार होता है? लगातार। ये तो समझ में आ गया, लगातार। कोई दिक्कत नहीं। आप हम बोल दिए, हम यदि मान लेते हैं, माना कि पहला विशेषण एक्स मान, कितना मान लिए? एक्स मान, कितना मान लिए? एक्स। दिक्कत? जैसे एक विशेषण एक था, तीन था, पांच था, सात था ना, हम इसको एक को एक्स माने थे कि नहीं? जी माने थे। कोई दिक्कत? तो इसको अगला को क्या एक प्लस कितना माने थे? अगला को क्या माने थे? एक्स प्लस फोर। अगला को क्या माने थे? एक्स प्लस सिक्स। एक्स प्लस एट, इसी तरह था कि नहीं? जी। तो अगला दूसरा विषम संख्या है एक्स प्लस टू। एक्स प्लस टू फिजिकल नाइन। अब तीसरा, इसी प्रकार तीसरा विषम संख्या हो जाएगा एक्स प्लस फोर होगा कि नहीं? चौथा विषम संख्या हो जाएगा एक्स प्लस सिक्स। एक्स प्लस सिक्स फिजिकल नाइन। अब इतना समझ में आ गया कि नहीं? बताओ। कोई दिक्कत नहीं। अब हम प्रश्न में दिया हुआ है सभी संख्या का योग कितना है? 56 है। तो प्रश्न में ना दिया हुआ है, प्रश्न से सभी संख्या का योग कितना है? 56। तो पहला संख्या क्या है? x। तो अगला संख्या क्या है? x plus 2। अगला संख्या क्या है? x plus 4। x plus अगला संख्या क्या है? x plus 6। 56 होगा। कोई दिक्कत नहीं। 1, 2, 3, 4 इसको क्या बोलते हैं? या क्या कोई एक्स हुआ? चार। चार एक्स हुआ जी। आप बताना बाबू, आप इसको जोड़ देंगे जी। चार छः, छः छः, बारह, छप्पन होगा जी। 4x बराबर 56 माइनस 12 होगा जी। 4x बराबर कितना हुआ? 44। 44 पहला विषम संख्या क्या मान? एक्स बराबर हमको कितना निकला? 11। इसमें 11 प्लस 2 कितना होगा? 13। और 11 प्लस 4 कितना होगा? 15। 11 प्लस 6 कितना होगा? 17। कोई दिक्कत? और आंसर में हमको क्या आ गया? 11 आ गया, 13 आ गया, 15 आ गया, 17 है आंसर जी। सही करो, ये तो सही है। अभी जब तुमको सम संख्या विषम संख्या पता नहीं, जब बनाई कैसे? कोई बात नहीं, आपको समझ में आ गया जी, अच्छे से आ गया जी। जहाँ कंफ्यूजन होगा बैक वीडियो ऑन करना, अब वीडियो डाउनलोड मत करना, डाउनलोड लोड करके रख लेती हो, बैक ऑन ही नहीं देख लेना। आप बोलिए अगला सवाल बताओ।
देखो इस सवाल सुनो, इस सवाल समझ में आ गया कम से कम, थोड़ा हार्ड सवाल में गिनती होता है। चलो आप बोल दिए है, इसमें सवाल में बोल रहा है वो कौन सी संख्या होगा, हमको निकालना संख्या निकालना है, वो कौन सी संख्या होगा जिसके पांच गुना के साथ तीन जोड़ने पे योगफल संख्या के छह गुना हो जाता है। आप ध्यान रखना, जैसा जैसा सवाल लाइन बाय लाइन बोल रहा है वैसे वैसे कर देना है। हम पहले मान लीजिए, माना कि संख्या बराबर कोई दिक्कत नहीं। तो प्रश्न में बोल रहा है, वो कौन सी संख्या, संख्या के पांच गुना, मतलब संख्या में कितने गुना करेंगे, पांच में। तो संख्या क्या माने, एक्स। तो एक्स में पांच से गुना किए, एक से पांच से गुना किए, चलो पांच गुना के साथ कितना जोड़ दिए, तीन जोड़ दिए, तीन जोड़ने पे योगफल, तीन जोड़ने पर क्या आएगा योगफल, ये जो तीन जोड़ा है ना ये योगफल है ना जी। तो कहने का मतलब 5x + 3 है ना जी, मारा है जी आ रहा। अब बता योगफल संख्या में 6 गुना हो जाता है, योगफल जो है ना क्या हो जाता है 6 गुना का, योगफल जो है ना उससे क्या हो जाता है 6 गुना हो जाता है। अब बताओ 6 गुना क्या हो जाता है, संख्या ना हो जाता है सही, योगफल जो है इस संख्या के क्या हो जाता है 6 गुना हो जाता है। तो कहने का मतलब हुआ x का कितना गुना हो जाता है 6। आप समझ में आएगा ये हमको बताओ, आगे ये यदि बना ली मतलब सवाल बन गया, मेन दिक्कत होता है यही चीज बनाने में, पूरा सवाल है यही, पूरा सवाल है हमेशा गलती होता है इसमें। आप पहले फिर से समझो, संख्या में 5 से गुना किए जी, संख्या में किससे गुना किए 5 से, तीन जोड़े जी, ये जो संख्या आता है, ये जो संख्या आता है ये मूल संख्या जो है ना उसका 6 गुना आता है, उस मूल संख्या कितना से गुना कर दिए 6 से, कितना समझ आया। आप ये पास में आएगा नहीं हमको बताओ, 5x + 3 + 6 आ गया जी, जो हमें पता करना है उसको बाएं में बाकी को दाएं में 5x - 6x इधर भेजेंगे तो -3 आएगा जी आएगा, क्या आगे समझाना पड़ेगा किस में है। आप बताओ 6 में से 5 जाएगा तो 1 होगा जी। आप बताओ इसके पहले प्लस का साइन, इसके पहले माइनस का साइन, तो बड़ा कौन है, ये 5 है कि 6 बड़ा है, तो 6 के पहले कौन सी का साइन है माइनस का, तो माइनस वन नहीं होगा, होगा। आप बताओ बाबू माइनस थ्री हो गया, तब अब संख्या बराबर क्या आ गया, आंसर में क्या आ गया, संख्या बराबर 3 है ना, आंसर है। चलो टिकट पढ़ो, चलो बाबू अगला सवाल बता रहा बोलते जाते जल्दी, किसी परिमेय संख्या का मान, किसी परिमेय संख्या का मान, परिमेय संख्या का मान हर से हाथ कम है, हर से हाथ कम है, बताओ बाबू अच्छे से समझना, कुछ दिक्कत नहीं है ना। अब बताओ परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ये क्या किसी परिमेय संख्या में,
आप परिमास परिमेय संख्या किसे कहते हैं बताओ? इसी की संख्या में जीरो के साथ इसको तो पूरी संख्या बोलते हैं। हम पहले बताए सम संख्या जिसे भाग है जिसे विषम संख्या कहने का मतलब हुआ हम इसको थोड़ा लंबा लिख देता हूं जिसे पी बाई क्यू के लिख सके तथा क्यू बराबर जीरो होगा। तो कहने का मतलब हर से कितना कम है? आठ।
बताओ होगा आप देखो इसके आगे पढ़ो यदि हर को चार से बढ़ा दिया जाए क्या कर दिया जाए बढ़ा दिया आप देखो प्रश्न से किसको बढ़ा दिया जाए चार को बढ़ाने के लिए हर को बढ़ा दिया किसको हर को बढ़ा आप बताओ प्रश्न से हर ऊपर वाले को अंश नीचे वाले को हर को हर को चार से बढ़ा दिया जाए हर कितना है चार बढ़ाने के लिए एक्स में चार जोड़ दिया जाए यही ना हुआ जी तो एक्स में चार जोड़ दिया समझ में आया जी आप देखो बाबू बढ़ा दे दिया जाए तो नई संख्या एक बाई पांच हो जाती है नई संख्या कितना आती है एक बाई पांच हो जाती है तो मूल संख्या ज्ञात करो आप बताना बाबू पहले से अंश कितना है एक्स माइनस आठ हर में कितना बढ़ा दिया तो नई संख्या कितना है एक बटे पांच कितना समझ में आएगी सवाल बन गया आप इसके बाद क्या करेंगे तिरछा गुना करेंगे बराबर एक दो में कितना लिखेंगे के लिए बताओ लिखेंगे 5x जी माइनस 40 बराबर x प्लस 4 लिखेंगे के लिए एक से यदि गुना करते सेम का सेम रहता है जी जी 5x माइनस 1 4 प्लस 40 होगा कि नहीं होगा जी 4x होगा कि नहीं जी होगा तो दिक्कत नहीं इसलिए इसमें हुआ है 44 बटा 4 11 हुआ जी आप बताना बाबू हर को क्या मानते हैं x x कितना निकला 11 अब इसको नीचे से लिखना हम इसमें लिख दिए ना जी तुम इसमें अब इसके नीचे क्या लिखना है अतः तो हर बराबर x बराबर 11 जी ना खुद तो कंफ्यूज कर जाओगे अंश बराबर x माइनस आर मतलब 11 माइनस आर बराबर 3 हमको निकालना क्या है मूल संख्या निकालना है क्या निकालना है मूल संख्या तो मूल संख्या परिमेय संख्या था ना जी कोई दिक्कत नहीं तो परिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या बराबर अंश भाई हर होगा जी अंश 3 में टाइप किया ना है आंसर जी सही है अब इसके बाद ऐसा कोई सवाल आया तो बना दोगे कि नहीं टेस्ट में ऐसा ही सवाल देंगे पहले बता देते हैं जब इसे समझ में आया नहीं था तो बनाई कैसे गलत समझ ऐसे बनाना है पहले कर आप क्लीन कर दे सम संख्या किसे कहते हैं जिसमें दो से थोड़ा बड़ा भाग लग जाए उसे परिमेय संख्या किसे कहते हैं और इसमें p y q के रूप में लिख सकते हैं q y 2 के q बराबर 0 ना हो q बराबर 0 ना हो